जो कल तक अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते थे, हमने उन्हें आज देश बेचते पकड़ लिया, कन्हैया कुमार कांग्रेस। भाजपा पर भड़के संजय राउत, बोले राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है। पहले भाजपा के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए, प्रशांत भूषण वकील। अगर कोई और ऐसा पोस्टर छापता तो हिंदुत्व का अपमान हुआ है, ऐसा सियापा करते हुए भाजपा सड़कों पर थालियां बजाती सामना। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ के आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई। 1.5 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की सेना और वायु सेना के लिए चुन लिया गया था, लेकिन भाजपा की अग्निवीर योजना लागू होने के बाद युवाओं को आर्मी और वायु सेना में नहीं आने दिया गया, राहुल गांधी। अगर संघ की सरकार को नहीं रोका गया तो देश बर्बादी की ओर जाएगा, कांग्रेस ने। केवल कांग्रेस पार्टी ही देश को एकजुट रख सकती है और गांधी परिवार ने हमेशा कांग्रेस को एकजुट रखा है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा। नॉनवेज दुकानों को लेकर फिर आग बबूला हुए बालक मुकुंद आचार्य, अगर ये आपका काम नहीं तो बॉर्डर पर काफी जगह है। इंडिया गठबंधन देश भर में भाजपा से मुकाबला करेगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। अगर पीएम मोदी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मैं जीत जाऊंगा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। कांग्रेस के JN1 वेरिएंट ने डराया, एक दिन में कोविड के 6 मरीजों की मौत, 702 नए केस। उद्धव ठाकरे की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए उन्हें राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण नहीं भेजा है, महाराष्ट्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन का बयान। मैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देता हूँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। भाजपा सेट करती है नैरेटिव, जेडीयू एक है और एक ही रहेगी, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। भाजपा के राम मंदिर कार्यक्रम में कौन जाएगा, हम तो बाद में जाएंगे, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बयान। मुस्लिम व्यक्ति को 4 शादी करने का इस्लामिक अधिकार है, लेकिन उसे अपनी सभी पत्नियों को समान अधिकार देने होंगे और इच्छा व्यवहार करना होगा, मद्रास हाईकोर्ट। नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हैं, वे मानसिक रूप से रोगी हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले साधु संतों की मांग।